मार्वल ने आज अपने एक नई वेब सीरीज का फाइनली ट्रेलर रिलीज कर दिया है जिसका नाम है हॉकी। काफी टाइम से इस सीरीज को लेकर चर्चा हो रही थी और आज फाइनली ट्रेलर आ चुका है। तो ट्रेलर में मुझे क्या कुछ बढ़िया देखने को मिला है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहिए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आदित्य और वेब मूवी में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम हॉकी ट्रेलर के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। ट्रेलर की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से हमें देखने को मिल रही है, बिल्कुल लाल बिल्डिंग के साथ में चमकती हुई। और दोस्तों इसमें जो हमें बाटन साहब देखने को मिल रहे हैं वो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं, इनके बच्चों के साथ में। हमें पता है एवेंजर की कुछ कहानियों में इनके बच्चों को हमने देखा है, तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि इनका जो रोल है अब फाइनली अच्छी तरीके से हमें देखने को मिलने वाला है, इनकी पर्सनल स्टोरी। हमें पता है कि बाटन की जो कहानी को उतना कुछ ज़्यादा सीरियसली हमें देखने को नहीं मिला है। ट्रेलर जिस प्रकार से आगे बढ़ता है हमें देखने को मिलता है कि ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि बाटन का जो सूट है वो कोई और लड़की पहनकर अंडरवर्ल्ड के साथ में कुछ छेड़छाड़ कर रही है। और क्लिंट बाटन भी ट्रेलर में हमें देखने को मिल रहा है कि इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है जो कि मेरा सूट पहनकर अंडरवर्ल्ड के साथ छेड़छाड़ कर रही है। और उन्हें ऐसा लगता है कि इस लड़की की वजह से इनकी फैमिली को खतरा हो सकता है, इसलिए वो कुछ टाइम के लिए अपनी फैमिली से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि हमें ट्रेलर में देखने को मिल रहा है वो अपनी फैमिली से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं और किसी तरीके से बाटन उस लड़की से मिल जाते हैं। और दोस्तों इस लड़की का नाम है हॉकी और दोस्तों एक कमाल की तीरंदबाज है जो कि हमें देखने को मिल रहा है और ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाली है इस सीरीज का, क्योंकि इनके नाम पर ही हमें ये सीरीज देखने को मिल रही है। इन्हें हम बम्बलबी मूवीज में भी देख चुके हैं, आप दोस्तों जरूर से याद करोगे इनका चेहरा देखने के बाद, काफ़ी कमाल का रोल था इनका। तो दोस्तों बाद में हमें स्टोरी देखने को मिल रही है कॉमेडी की तरीके से, जहाँ पर ये तीर कमान लेकर एक बिल्डिंग से कूद जाती है, तो दोस्तों कॉमेडी भी देखने को मिलने वाली है। हमें पता है ये जो क्लिन बाल्टन है कुछ खास कॉमेडी करते हुए नहीं नज़र आया पूरी एवेंजर्स मूवी में, तो ये जो है एक नया कैरेक्टर ऐड किया गया है जो कि हमें कुछ कॉमेडी देखने को मिल जाएंगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों जो हमें विलन देखने को मिल रहे हैं वो अंडरवर्ल्ड के लोग ही देखने को मिलने वाले हैं, मैं तो ऐसा ही अज्यूम कर रहा हूँ। और जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग इन लोगों को किडनैप करने वाले, क्योंकि दोस्तों इनके पास कुछ सुपर पावर नहीं है और कुछ ऐसा बड़ा विलन दे देते तो ये बेचारे क्या करते, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में हमें कंज्यूरिंग की दो मेन कैरेक्टर भी देखने को मिल रही है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है यानी कि सीरीज में, तो देखना होगा कि इनका रोल किस प्रकार का निकल कर आता है। और इस सीरीज के एंड में हमें क्रिसमस ट्री देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस सीरीज में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी चीज़ें इस ट्री के अंदर दबी रहने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अंडरवर्ल्ड वाले लोग इसी ट्री को बर्बाद करने के पीछे तुले हुए हैं। और मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि क्लिन बाटन और हॉकी जो कि एक लड़की है दोनों मिलकर इस ट्री को या फिर कुछ लोगों को बचाते हुए नजर आएंगे, कुछ ऐसी स्टोरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों यही था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी अनेबल कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।